एवरीवन, वेलकम बैक। फिर से नई क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था बुद्धिज्म के बारे में। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में हमने पढ़ा था कि बौद्ध धर्म जो है किस किस तरह से उसकी स्थापना हुई और कैसे कैसे जो महात्मा बुद्ध हैं उन्होंने उसका प्रचार प्रसार किया और कैसे महात्मा बुद्ध की डेथ हुई। ठीक है, प्लेसेस भी उससे कंसर्निंग हमने देख ली कि कहाँ पे कौन सी चीज हुई, ठीक है, कब कहाँ पे गए, वहां पे क्या किया। ठीक है, तो सारी प्लेसेस भी इनसे कंसर्न हमने देख ली। तो लास्ट में हमने पढ़ा था कि महात्मा बुद्ध की हुई डेथ कहाँ पे हुई थी, हरिणावती रिवर के किनारे, और प्लेस कहाँ पे थी आपकी, तो प्लेस थी कुशीनगर। ठीक है, अब महात्मा बुद्ध ने, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि महात्मा बुद्ध ने क्या किया, एक बुद्धिस्ट यूनियन बनाया। ठीक है, बुद्धिस्ट यूनियन की स्थापना की थी। ठीक है, अब ये जो यूनियन होता था, अब जब भी कोई भी संगठन बनता है, जब कोई भी यूनियन बनता है, तो उसकी क्या होती है, उसकी कुछ मीटिंग्स होती है। ठीक है, अलग अलग टाइम पे उनकी मीटिंग्स बुलाई जाती है, जब उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करनी होती है, कोई चीज ऐड करनी होती है या वहां से कोई चीज रिमूव करनी होती है। ठीक है, तो उस टाइम पे उनकी क्या बुलाई जाती है, मीटिंग्स बुलाई जाती है। अब ये जो बुद्धिस्ट यूनियन थी, ठीक है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो बुद्धिस्ट काउंसिल बनी हुई थी, इनकी भी क्या हुई, इनकी भी अलग अलग टाइम पीरियड पे मीटिंग्स हुई। ठीक है, तो उन मीटिंग्स, वो मीटिंग्स जो है वो भी हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, क्योंकि वो भी बुद्धिज्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सारा हमारी हिस्ट्री का ही है, इसलिए ये भी हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम क्या करते हैं, हम ये जो मीटिंग्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो मीटिंग्स हैं वो कहाँ कहाँ पे हुई, किस किस ईयर में हुई। ठीक है, और जो मीटिंग्स थी वो अरेंज किसने की थी, मीटिंग्स में हुआ क्या क्या। ठीक है, तो वो सारा का सारा आज की क्लास में क्या करते हैं, आज हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध की जो डेथ हुई थी, उस इंसिडेंट को भी एक नाम दिया गया है, उसको नाम दिया गया है महापरिनिर्वाण। ठीक है, इसको ये बीच में ऐड अप कर लेना, महापरिनिर्वाण। ठीक है, जो महात्मा बुद्ध की डेथ हुई थी, उस इंसिडेंट को भी एक नाम दिया गया है, और नाम क्या दिया गया है, महापरिनिर्वाण। जैसे वो घर से निकले थे और उस टाइम पे उसको नाम दिया गया था महाविनिष्क्रमण। ठीक है, तो डेथ को नाम दिया है महापरिनिर्वाण। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, हम मीटिंग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी, उसकी जो सबसे फर्स्ट मीटिंग हुई थी, बुद्धिस्ट काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी, इनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो जो बुद्धिस्ट काउंसिल, अब दिख रहा होगा आपको सभी को, है ना। तो जो बुद्धिस्ट काउंसिल की मीटिंग हुई थी वो कब कब हुई थी, जो सबसे फर्स्ट मीटिंग है ठीक है, जो सबसे फर्स्ट मीटिंग है, जो सबसे पहले मीटिंग है, ये कहां पे हुई थी, तो हुई थी ये राजगृह में। ठीक है, सबसे पहले मीटिंग जो हुई थी, ये हुई थी राजगृह में, और हुई कब थी ये, 483 BC। ठीक है, 483 BC में मीटिंग हुई थी, हुई कहां पे थी, राजगृह में हुई थी। ठीक है, ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग अरेंज किसने करवाई थी, तो मीटिंग अरेंज करवाई थी अजातशत्रु ने। ठीक है, यहां का रूलर जो था वो अजातशत्रु था, और उसी ने क्या की थी, मीटिंग अरेंज करवाई थी। ठीक है, अब मीटिंग तो अरेंज हुई, इस मीटिंग को अरेंज करने का जिम्मा किसको दिया, मतलब इस मीटिंग का चेयरमैन किसे बनाया गया। ठीक है, इस मीटिंग को अरेंज करने का जिम्मा किसको दिया गया, जिम्मेदारी किसको दी गई, तो वो दी गई महाकश्यप को। ठीक है, मीटिंग को अरेंज करने की जिम्मेदारी दी गई किसको, महाकश्यप। ठीक है, और ये जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग में वर्क क्या किया गया, मतलब मीटिंग किस लिए अरेंज की गई थी,
क्या काम किया गया इस मीटिंग में, तो इस मीटिंग में क्या किया गया, इस मीटिंग में ऐड किए गए दो पिटक। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं कि जो बुद्धिस्ट है उसके मेन टेक्स्ट हैं तीन। ठीक है, तीन टेक्स्ट है उसके, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, तो ये जो तीन पिटक थे इनमें से ये दो पिटक हैं ये ऐड किए गए थे। ठीक है, जो टेक्स्ट है वो तो बाद में बने ना, तो ये जो तीन हमारे टेक्स्ट थे उसमें से दो जो टेक्स्ट हैं, जो दो जो पिटक हैं वो इस टाइम पे ऐड किए गए इसमें। ठीक है, तो कौन कौन से पहले दो पिटक कौन कौन से बनाए गए, तो एक बनाया गया सुत्त पिटक और दूसरा बनाया गया आपका विनय पिटक। ठीक है, एक बनाया गया सुत्त पिटक, दूसरा बनाया गया विनय पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक जो था ये बनाया गया आनंद के द्वारा। ठीक है, हम मेन डिसिपल्स पढ़ चुके हैं महात्मा बुद्ध के, आनंद और रूपाली हैं। ठीक है, तो सुत्त पिटक जो है वो किसके द्वारा बनाया गया, ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा अरेंज किया गया, तो ये बनाया गया आनंद के द्वारा। और जो विनय पिटक है ये बनाया गया उपाली के द्वारा। ठीक है, ये इनके दो डिसिपल्स थे आनंद और उपाली, मेन जो डिसिपल्स थे। तो मेन हम क्यों बोलते हैं उनको, क्योंकि जो आनंद था उसने सुत्त पिटक ऐड किया था। ठीक है, और जो उपाली थे उन्होंने विनय पिटक इसमें ऐड किया था। ठीक है, तो ये हो गया इस फर्स्ट मीटिंग के। मीटिंग हुई कहां पे थी, कब हुई थी, किसने अरेंज करवाई थी, किसको उसकी जिम्मेदारी दी गई थी और इसमें काम क्या किया गया। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग आपकी क्लियर होगी। अब हम चलते हैं सेकेंड मीटिंग। अब ये जो सेकंड मीटिंग है ये कब हुई, कहां पे हुई, तो सेकंड मीटिंग आपकी जो है ये हुई थी 383 बीसी में। ठीक है, नीचे लिखी थी, ये हुई थी 383 बीसी में। प्लेस कौन सी थी, तो प्लेस थी आपकी वैशाली। ठीक है, प्लेस कौन सी थी, प्लेस थी आपकी वैशाली। अरेंज किसके द्वारा करवाई गई थी, मतलब रूलर कौन था उस टाइम पे, तो अरेंज करवाई गई थी काला अशोक के द्वारा। ठीक है, अशोक जो है वो अलग है, काला अशोक अलग है। ठीक है, मिक्स मैच मत कर देना। काला अशोक जो है इसके द्वारा अरेंज करवाई गई थी, ये यहाँ का रूलर था। ठीक है, और इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई थी मीटिंग अरेंज करने की, मतलब इन द अदर सेंस हम बोल सकते हैं कि चेयरमैन कौन था, तो चेयरमैन था सबक मीर। अब साबक मीर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये थे इनके चेयरमैन। अब इस मीटिंग में हुआ क्या, मीटिंग में क्या हुआ, काम क्या हुआ, तो इस मीटिंग में क्या किया गया, जो बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स थे, ठीक है, जो लोग बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे उनको दो वर्गों में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, उनके डिविजन हो गए, उनको दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो दो टाइप्स में डिवाइड किया गया फॉलोअर्स को, फॉलोअर्स। बुद्धिज्म वर डिवाइड, ठीक है, बुद्धिज्म के जो फॉलोअर्स थे उनको डिवाइड कर दिए गए दो पार्ट में। ठीक है, एक बने आपके स्थावीर, ठीक है, और दूसरे बने आपके महासंघिक। तो ये जो मीटिंग थी इसमें ये काम किया गया कि जो बौद्ध धर्म के फॉलोअर थे, जो भी लोग बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे उनको डिवाइड कर दिया गया, उनकी डिवीजन होगी। ठीक है, स्थावीर और महासंघिक में। ठीक है, क्योंकि होते हैं ना कि कई लोगों के जो विचार
चार है वो आपस में नहीं मिलते, कोई बोलता है कि इस तरह से होना चाहिए, कोई बोलता है इस तरह से होना चाहिए, तो बस उसी बेसिस पे डिवीजन होगी स्थावीर और महासंधि की। ठीक है, अब ये हो गया आपकी सेकंड मीटिंग, इसके बाद अरेंज करवाएगी थर्ड मीटिंग। ठीक है, पहली मीटिंग के 100 साल बाद जो है आपकी दूसरी मीटिंग हुई है, और दूसरी मीटिंग के बाद जो तीसरी मीटिंग हुई है वो हुई आपकी थर्ड मीटिंग हुई आपकी 251 बीसी में। ठीक है, थर्ड मीटिंग हुई आपकी 251 बीसी में, हुई कहां पे, तो हुई है ये पाटलिपुत्र में। ठीक है, थर्ड मीटिंग जो हुई ये हुई आपकी पाटलिपुत्र में, और पाटलिपुत्र में इसको अरेंज किसने करवाया था, अरेंज करवाया था इसको अशोक ने। ठीक है, तभी मैंने पहले बोला कि अशोक और कालाशोक में उनको मिक्स मैच मत कर देना, कालाशोक अलग है और अशोक जो है वो अलग है। ठीक है, ये अशोक है, अशोक द ग्रेट। ठीक है, तो ये अशोक ने अरेंज करवाई थी, मतलब कि यहाँ के रूलर अशोक होंगे, है ना। अब इस मीटिंग को करने की जिम्मेदारी किसको दी गई, मतलब चेयरमैन किसको बनाया गया था, तो चेयरमैन इसका बनाया गया था मुगलीपुत्र किसको। ठीक है, चेयरमैन इसका बनाया गया था मुगलीपुत्र किसको। ठीक है, अब इस मीटिंग में काम क्या हुआ, ठीक है, इस मीटिंग में काम क्या किया गया, इस मीटिंग में ये काम किया गया, जैसे हमारी जो फर्स्ट मीटिंग है उसमें क्या हुआ, उसमें हमारे दो पिटक्स बने। ठीक है, दो टेक्स्ट बनाए गए, शुद्ध पिटक और विनय पिटक। ठीक है, तो एक पिटक अभी बच गया हुआ क्योंकि तीन हमारे मेन टेक्स्ट हैं, तो दो हमारे बन गए, एक हमारा इस टाइम पे बना। ठीक है, इसमें क्या किया गया, एडेड थर्ड पिटक, जो तीसरा पिटक है उसको ऐड किया गया, आप बोल सकते हो जो तीसरा टेक्स्ट है उसको ऐड किया गया, और उसका नाम क्या था, अभिधम्म पिटक। एडिशन ऑफ थर्ड पिटक ऐड हुआ बौद्ध धर्म में। ठीक है, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसमें थर्ड टेक्स्ट ऐड हुआ, उसका नाम क्या था, अभिधम्म पिटक। ठीक है, ये हो गया आपकी थर्ड मीटिंग, इसके बाद गई आपकी फोर्थ मीटिंग। ठीक है, इसके बाद फोर्थ मीटिंग अरेंज करवाएगी, और फोर्थ मीटिंग का जो टाइम पीरियड है वो आपके लिए बड़ा ही आसान है। ठीक है, ये करवाएगी फर्स्ट सेंचुरी में, और फर्स्ट सेंचुरी में है मतलब कब हुई, ये एडी में हुई। ठीक है, जब पहली शताब्दी शुरू हुई, जब पहली शताब्दी शुरू हुई तब आपकी चौथी मीटिंग जो है वो अरेंज करवाएगी, फर्स्ट सेंचुरी में करवाएगी, इसलिए एडी लगा रहे हैं साथ में। अच्छा, तो ये जो आपकी फोर्थ मीटिंग हुई, फोर्थ या फिर लास्ट मीटिंग आप इसको बोल सकते हो, ये हुई, प्लेस थी कश्मीर। कश्मीर में हुई, और कश्मीर में कहां पे, कुंडल वन में। ठीक है, कुंडल वन में हुई, जो कि कहां पे है, कश्मीर में है। ठीक है, इसको अरेंज करने वाला कौन था। ठीक है, तो इसको अरेंज करने वाले थे कनिष्क, इसको अरेंज करने वाले थे कनिष्क। ठीक है, दैट मीन्स कि कनिष्क इस टाइम पे यहाँ के रूलर थे। ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी में कश्मीर के रूलर कौन थे, कनिष्क थे। अब इस मीटिंग को अरेंज करने की जिम्मेदारी किसको दी गई, मतलब इसके चेयरमैन किसको बनाया गया, तो इसके चेयरमैन बनाया गया, इसके वासुमित्र और अश्वघोष को। ठीक है, इसके चेयरमैन बनाया गया वासुमित्र को और अश्वघोष को। ठीक है, ये इसके चेयरमैन थे। ठीक है, जिन्होंने मीटिंग अरेंज करवाई थी, करवाई कनिष्क ने थी, और किनको जिम्मेदारी दी गई, चेयरमैन किनको बनाया गया, वासुमित्र को और अश्वघोष को। ठीक है, ये फर्स्ट मीटिंग है जिसमें कि आपके दो चेयरमैन है। ठीक है, दो इंसानों को या दो पर्सन को जिम्मेदारी दी गई है मीटिंग को अरेंज करवाने की। ठीक है, तो चेयरमैन इसके हो गए वासुमित्र और अश्वघोष। अब इस मीटिंग में वर्क क्या हुआ,
इस मीटिंग में काम क्या हुआ? तो इस मीटिंग में काम ये हुआ कि जो हमारे बुद्धिस्ट थे, उनकी कम्युनिटीज बन गई। दो कम्युनिटीज में उनको डिवाइड कर दिया गया, उनका अगेन विभाजन हो गया। तो दो कम्युनिटीज कौन कौन सी बनी, ये नाम तो आप सभी को याद होंगे, हीनयान और महायान। ठीक है, तो लास्ट मीटिंग में क्या हुआ, जो बुद्धिस्ट है, जो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म को मानने वाले जो लोग हैं या जो हम बोल सकते हैं कि बुद्धिस्ट हैं, उनको दो कम्युनिटीज में डिवाइड कर दिया गया, महायान और हीनयान। ठीक है, तो ये हो गया आपकी मीटिंग्स जो कि बुद्धिज्म में बुद्धिस्ट काउंसिल के द्वारा अरेंज करवाई गई थी। अब ये बुद्धिज्म है, इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो महात्मा बुद्ध है, उन्होंने सिंबल्स क्या दिए इसके, इसके सिंबल्स क्या दिए उनके द्वारा? तो सिंबल इसका दिया गया इन लोटस, ठीक है, कमल का फूल, अ पेयर ऑफ गोल्डन फिश, धर्म व्हील और एंडलेस नॉट। ठीक है, नॉट होती है गांठ। ठीक है, तो इसके सिंबल्स जो महात्मा बुद्ध के द्वारा या फिर बुद्धिज्म में जो भी इस धर्म को मानने वाले थे, उनके लिए सिंबल्स जो चिन्ह है वो कौन कौन से निर्धारित किए गए थे? तो वो थे एक लोटस फ्लावर, कमल का फूल, पेयर ऑफ गोल्डन फिश, ठीक है, और धर्म भी, और साथ में एक एंडलेस नॉट। ठीक है, तो ये इसके सिंबल्स थे चार। ठीक है, चार सिंबल्स इसमें दिए गए। अब इसमें बुद्धिज्म जो है सिंबल्स हो गए इसके, तो बुद्धिज्म की जो बुक है, ठीक है, वो जो हमने सूत्र पिटक, अविधम पिटक और क्या बोलते हैं विनय पिटक, ये थे वो उसके टेक्स्ट थे। ठीक है, तो इसकी जो बुक है, जो इसकी बुक है वो कौन सी है? तो वो है त्रिपिटक। ठीक है, जो बुक है जिसमें सारे के सारे टेक्स्ट अरेंज किए गए हैं वो है आपकी त्रिपिटक। और इसमें अगर आप बात करो कि इसमें जो भी आपको दिया गया है, ठीक है, टेक्स्ट में जो भी लिखा हुआ दिया गया है वो कौन सी लैंग्वेज में है, या फिर अगर आप ये बोलो कि महात्मा बुद्ध ने जो भी अपने उपदेश दिए हैं वो कौन सी लैंग्वेज में दिए हैं, तो वो दिए उन्होंने पाली लैंग्वेज में। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने जो भी अपने उपदेश दिए हैं वो कौन सी लैंग्वेज में दिए हैं, वो दिए हैं पाली लैंग्वेज में। ठीक है, और इसमें वो टेक्स्ट जो सबसे ज्यादा पूजा जाता है, ठीक है, वो टेक्स्ट सबसे ज्यादा पूजा जाता है, सबसे सेक्रेट टेक्स्ट कौन सा है? तो वहां पर बुद्ध भगवान। ठीक है, ये है इसका मोस्ट सेक्रेट टेक्स्ट। ठीक है, तो बुद्धिज्म से रिलेटेड जो भी चीजें थी सारी की सारी मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, बुद्धिज्म के फाउंडर के बारे में, ठीक है, बुद्धिज्म बना कैसे, कैसे था, कैसे महात्मा बुद्ध को एनलाइटमेंट मिली थी, ठीक है, कहां पे मिली थी, कौन सी जगह पे मिली थी, फिर जो इनके यूनियन है उसके बारे में हमने देखा कि यूनियन इनका बना था, फिर उसकी मीटिंग्स अरेंज हुई थी, अलग अलग इयर्स में अरेंज हुई थी, उनके बारे में देखा कि हर एक मीटिंग जो है अरेंज कब हुई थी, उसमें काम क्या किया गया था, कौन से रूलर थे, कौन से चेयरमैन थे, ठीक है, और बाकी जो भी इससे रिलेटेड बुद्धिज्म में क्या क्या बताया गया, क्या क्या कहा गया, ठीक है, किस किस चीज के बारे में हमें बताया गया बुद्धिज्म में। ठीक है, तो ये सारे का सारा हमने जो है डिस्कस कर दिया हुआ।
ठीक है। तो ये जो आपका बुद्धिज्म है, ठीक है, जो बुद्धिज्म वाला आपका टॉपिक है ये यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। बुद्धिज्म में जितना भी था वो सारा का सारा हमने क्या था, सारा का सारा हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। तो बुद्धिज्म के बाद नेक्स्ट जो आपका आता है वो आपका जैनिज्म। बुद्धिज्म के बाद नेक्स्ट आपका क्या आता है, नेक्स्ट आता है आपका जैनिज्म। तो जैनिज्म के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि जैनिज्म जो है स्टार्ट कहां से हुआ, ठीक है। तो जैनिज्म जो है इसकी मेन शुरुआत जो है ये मानी जाती है महावीर स्वामी से, ठीक है। हम सभी को पता है कि जो महावीर स्वामी है ये जैनिज्म के 24th तीर्थंकर थे, कोई भी धर्म होता है तो उसके क्या होते हैं, गुरुज होते हैं, है ना, गुरुज बनाए जाते हैं हर एक धर्म के। जैसे सिखिज्म में हमारे गुरुज हैं, 10 गुरुज हैं, तो वैसे ही ये जो जैनिज्म था इसमें क्या बोला जाता था, जो इनके गुरुज होते थे उनको तीर्थांकर बोला जाता था, ठीक है। तो हमें मेन शुरुआत जो है वो 24th तीर्थांकर से ही हमें, हम बोलते हैं कि यहीं से जो जैनिज्म उसकी असली फाउंडेशन हुई थी। लेकिन हमारे टेक्स्ट जो है उसमें हमें ये बताया हुआ है कि इसके जो शुरुआत है वो काफी पहले से हो चुकी थी, ठीक है। महावीर स्वामी की बर्थ से भी काफी टाइम पहले से इसकी जो शुरुआत है वो हो चुकी थी। तो इसकी शुरुआत जो है जो मानी जाती है वो मानी जाती है ऋषभदेव से, ठीक है। ऋषभदेव जो है कुछ बुक्स में ये बताया जाता है, कुछ टेक्स्ट में, ठीक है, ये हमें बताया जाता है कि इसके जो फाउंडर थे वो थे आपके ऋषभदेव, ठीक है। जो सबसे फर्स्ट फाउंडर थे, जो फर्स्ट थे, सबसे पहले थे जिन्होंने कि जैनिज्म जो धर्म है, ठीक है, जैन धर्म जो है वो बनाया था, ये थे आपके ऋषभदेव, ठीक है। अब ऋषभदेव के बाद कौन कौन आया, कौन कौन से तीर्थांकर हुए, इसके बारे में कोई भी नॉलेज किसी भी टेक्स्ट में नहीं है, ठीक है। हाँ, बट ये है कि फर्स्ट जो तीर्थांकर थे या फिर फर्स्ट इसके जो गुरु थे, जो फर्स्ट थे जिन्होंने फाउंड किया था जैनिज्म, जैन धर्म को जिन्होंने बनाया था, वो ऋषभदेव थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी बात चलती है 23rd तीर्थांकर की, ठीक है। इसके बाद बात आती है आपके 23rd तीर्थांकर की। तो जो 23rd तीर्थांकर हुए हैं, सॉरी 23rd तीर्थांकर जो हुए हैं वो थे आपके प्रसन्ननाथ, ठीक है। इनका नाम क्या था आपका, प्रसन्ननाथ, के नाम प्रसेवनाथ भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनका नाम क्या था, प्रसेवनाथ था या प्रसन्ननाथ था, जो भी आप बोलो, 23rd तीर्थांकर थे ये हमारे जैनिज्म के, ठीक है। अब ये जो 23rd तीर्थांकर है इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कैसे है, क्यों ऐसा बोला जाता है कि यही 23rd तीर्थांकर थे, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कुछ पाथ दिए थे, ठीक है। जैसे बुद्धिज्म में बोला गया था कि एट फोल्ड पाथ दिया गया था, अष्टांगिक मार्ग दिया गया था कि इसी अष्टांगिक मार्ग पे चल के आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आपको भगवान की प्राप्ति हो सकती है अष्टांगिक मार्ग पे चल के। तो इन्होंने भी, जो प्रसेवनाथ थे, इन्होंने भी क्या किया था, इन्होंने भी कुछ आपको कुछ वेज बताए थे, कुछ पाथ्स बताए थे जिन पाथ्स के ऊपर चल के क्या किया जा सकता है, भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो इन्होंने जो हमें पाथ्स बताए थे वो कौन कौन से थे, ठीक है। तो इन्होंने जो हमें वेज दिए थे, ठीक है, अभी हम महावीर स्वामी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम इनकी बात कर रहे हैं, 23rd तीर्थांकर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो इन्होंने वेज दिए थे वो कितने दिए थे हमें, 4 दिए थे, ठीक है। 4 वेज पाथ दिया था इन्होंने जिसके ऊपर चलकर कोई भी इंसान भगवान को पा सकता है, ठीक है, जहां फिर भगवान को प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला था वो था ट्रथ, ठीक है, सच्चाई के मार्ग पे चल के, सत्य बोल के, नॉन वायलेंस, ठीक है, अहिंसा, अहिंसा के मार्ग,
नॉर्थ में चल के नॉन स्टीलिंग, ठीक है। स्टील का मतलब क्या होता है, स्टीलिंग का मतलब होता है चुराना, ठीक है, चोरी ना करके। और नॉन पोजेशन, पोजेशन होता है किसी भी चीज के ऊपर अपना अधिकार जमाना, ठीक है, तो किसी दूसरे की चीज पे अपना अधिकार ना जमा के, ठीक है। तो इन्होंने ये चार वेज दिए थे, यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि इन्होंने चार महाव्रत दिए थे, ठीक है, चार महाव्रत दिए थे जिनको, जिनका पालन करके या जिनके ऊपर चल के कोई भी इंसान जो है वो भगवान को प्राप्त कर सकता है, ठीक है, भगवान को पा सकता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका प्रसेरनाथ के बारे में, ठीक है। इसके बाद अब इनके बारे में बस इतना ही हमने पढ़ना है कि इन्होंने क्या किया था, चार वेज दिए थे जिसके ऊपर चल के कोई भी इंसान भगवान को पा सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपके आ जाते हैं 24 तीर्थंकर। इसके बाद आप क्या जाते हैं 24 तीर्थंकर। तो जैनिज्म के हम सभी जानते हैं कि 24 जो तीर्थंकर थे वो कौन थे, लिख देते हैं, वो थे महावीर स्वामी, ठीक है, वो थे आपके महावीर स्वामी। और ये जो महावीर स्वामी है इन्हीं को बोला जाता है एक्चुअल फाउंडर ऑफ जैनिज्म, महावीर स्वामी को क्या बोला जाता है, एक्चुअल फाउंडर ऑफ जैनिज्म, ठीक है, इन्हीं को बोला जाता है एक्चुअल फाउंडर के, फाउंडर ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म के असली संस्थापक, ठीक है, महावीर स्वामी को जैनिज्म के असली संस्थापक बोला जाता है, ठीक है। तो अब क्योंकि यही इसके असली संस्थापक है, तो हमने जैसे बुद्धिज्म में पढ़ा महात्मा बुद्ध के बारे में, वैसे ही हमने, हम जैनिज्म में पढ़ेंगे महावीर स्वामी के बारे में, ठीक है। तो इनसे भी रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हैं जो कि हमने गैदर करनी है, जिनके बारे में हमने पढ़ना है, ठीक है। तो जैनिज्म जो है ये हो गया इसकी थोड़ा सा बेस, ठीक है, थोड़ी सी भूमिका होगी इसकी। अब नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे जैनिज्म में महावीर स्वामी के बारे में, तो वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो महावीर स्वामी के बारे में पढ़ना है सारा का सारा, कल ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर बस यहीं पे खत्म होता है, ठीक है, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।